नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओझा टोली में 1 दिसंबर की संध्या दहशत फैलाने की नियत से की गई गोलीबारी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर बताया कि ओझा टोली में 2 बाइक पर सवार युवकों ने गोलीबारी की थी। मामले में नगर थाना में केस संख्या 143/22 दर्ज कर आरोपियों की पहचान उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही थी। इसके लिए नगर थाना इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी सहयोग लेते हुए पेशेवर तरीके से छापामारी कर मामले के आरोपी पुरानी साहिबगंज निवासी अभिषेक यादव व गुलशन कुमार वर्मा एवं कमल टोला निवासी कुंदन यादव, अजय पासवान को अवैध 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल एवं 1 बुलेट संख्या J17 भी 4905 के साथ धर दबोचा। इस मामले में अलग से नगर थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभिषेक यादव पर नगर थाना में कांड संख्या 107/22 व 83/20, गुलशन कुमार वर्मा पर कांड संख्या 107/22 व अजय पासवान पर कांड संख्या 123/21 दर्ज है। मौके पर इंस्पेक्टर शाहनगर थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, एसआई प्रणीत पटेल व अन्य मौजूद थे। संथाल परगना हेड उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 1/12/2022 को ओझा टोली में एक फायरिंग की घटना घटी थी, जिसके तहत नगर थाना कांड संख्या 143/22 दर्ज की गई थी और इसके जो अपराधी थे वो भागेपुर है। इसके लिए पुलिस निरीक्षक टाउन सह प्रभारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इन लोगों ने कल को सूचना के आधार पर एक बेहतर अभियान किया और गिरफ्तार करने में अभी तक सफलता पाई है। इसमें मुख्य रूप से अभिषेक यादव, गुलशन कुमार, कुंदन यादव और अजय पासवान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 अदद देसी कट्टा, 3 राउंड गोली, 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए गए। इन सभी के पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं और इस टीम ने इस तरह उस कांड में जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर दहशत फैलाने का जो कार्य किया था उसको घर दबोचा। इन सभी बधाई के पात्र हैं। इनकी गिरफ्तारी बगल वाले जिले से हुई है निश्चित। और सर वो जो हवाई फायरिंग थी उसकी उसको अंजाम देने का वजह क्या? वजह इनके था कि हम लोग को कुछ इनके जैसा अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि कोई जमीन का मैटर जिसमें दहशत फैलाकर उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इस विषय में अनुसंधान आगे की जाए। पुणे में भी ऐसा ही कांड था सर, जमीन मामला में पुणे में पदस्थापित नहीं था।